नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मुंह के छालों के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके की मुंह में छाले बार बार होते रहते हैं और वो उन छालों से बड़ा परेशान रहते हैं। बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लेते हैं, एलोपैथी ले लेते हैं, आयुर्वेद ले लेते हैं और पता नहीं कितने प्रकार के ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुंह के उनके जो छाले होते हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे लोग तो जीवन भर इस परेशानी से सामना करते रहते हैं। तो आज मैं मुंह के छालों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और इसके साथ ही होम्योपैथी में हम किन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं मुंह के छालों को ठीक करने के लिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंह के जो छाले होते हैं ये हमारे मुंह में जो स्किन होती है, जो पिंक कलर की आप म्यूकोसा देखते हैं, इस म्यूकोसा में जब कभी किसी भी कारण से कोई घाव बन जाता है तब उस घाव को ही अल्सर, एप्थे या मुंह का छाला कहा जाता है। अब यदि हम इसके कारण की बात करते हैं कि ये क्यों बनते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो सामान्य कारण होता है पेट की खराबी। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, पेट उनका अच्छे से साफ नहीं होता है, बार बार उनको फ्रेश होने जाना पड़ता है या दो दो तीन तीन दिन तक फ्रेश होने नहीं जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स के कारण उनका पेट खराब रहता है। और चूंकि हमारा पेट हमारे मुंह से सीधा सीधा संबंध रहता है, इसलिए मुंह में सबसे पहले उनमें छाले आने लगते हैं। इसके अलावा चोट लगने के कारण भी कई लोगों को छाले होने की शिकायत होती है। अब चोट कैसे लग सकती है? सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि जब कभी कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और उसका ध्यान खाना खाने पे नहीं है, वो टीवी देख रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उसके दो दांतों के बीच में उसकी स्किन फंस जाती है, वहां पर चोट लग जाती है और चोट लग जाने से वहां पर एक घाव बन जाता है जिसे कि छाला कहा जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन बी की कमी होती है, खास तौर से विटामिन B12 की कमी जिन लोगों में होती है, उन लोगों में छाले होने की शिकायत ज्यादा होती है। इसके बाद अगला रीजन आता है दोस्तों, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इंफेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों में पेट में अल्सर डेवलप होते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण, उन लोगों को मुंह में बार बार छाले होने की शिकायत भी एसोसिएटेड सिम्टम के रूप में देखी जाती है। यानी कि यदि आपके पेट में अल्सर डेवलप हुआ है, स्टमक में है, गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर, कोई भी अल्सर हो, तो यदि वो आपकी बॉडी में डेवलप हुआ है तो हो सकता है कि उसके कारण भी आपको बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जिन लोगों को मासिक धर्म में, जिन महिलाओं में मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, यानी कि उनके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, उन महिलाओं में भी बार बार मुंह में छाले होने की शिकायत होती है और कई बार गर्मी के मौसम के कारण भी मुंह में छाले लोगों को हो जाते हैं। जिन लोगों का शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, खास तौर से मीनोपॉजल वुमन की यदि हम बात करते हैं कि उनको फ्लशेस ऑफ हीट जिसे हम बोलते हैं, उनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तब उस कंडीशन में मुंह में छाले बार बार होने की शिकायत उनको होने लगती है। इन सारे कारणों से मुंह के छाले लोगों को होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल मुंह के छालों में कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवाएं हैं दोस्तों, पेशेंट के सिम्टम से लेकिन मैच जरूर करना चाहिए, तभी होम्योपैथिक दवा आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है बोरेक्स। हमेशा हमें बोरेक्स का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में करना चाहिए जिनके मुंह के छाले बड़े दर्दनाक होते हैं, यानी कि उनके मुंह के छालों के कारण उनको बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होती है, खाना खाते पीते बिल्कुल नहीं बनता है, उनसे थोड़ा सा भी यदि वो खाना चबाने की कोशिश करते हैं या पानी निगलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ उसमें होती है, टेंडर छाले होते हैं, एकदम लाल कलर के इन्फ्लेम्ड छाले होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको दर्द करते हैं, तब इस कंडीशन में हमें बोरेक्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा वे छोटे बच्चे जिनमें कि मुँह के छालों के कारण दूध पीते नहीं बनता है माँ का, तब उस कंडीशन में भी बोरेक्स का यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है बच्चों के मुंह में छाले होने के लिए। आप लोगों ने अपने घर में सुना होगा कि मुंह आ जाता है, मुंह आ जाने का मतलब होता है कि बच्चे को अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं मुंह में, एप्थे डेवलप हो जाते हैं।
अब ये अल्सर्स दोस्तों किसी भी कारण से हो सकते हैं, खास तौर से बच्चों में डायरिया होने के बाद मुंह में छाले होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, और इसका कारण होता है एंटीबायोटिक का यूज करना। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी डायरिया वायरल ओरिजिन का होता है और उसमें आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, तब उन एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट के कारण बच्चों के मुंह में छाले डेवलप होने लगते हैं। तब उस छाले की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है बोरेक्स। इसके कारण वो बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, अपनी मदर की गोदी में बिल्कुल चिपका रहता है, उस गोद को छोड़ना नहीं चाहता है, या वो जो भी उसकी केयर टेकर है उसके साथ बिल्कुल रहना ही चाहता है। इसको क्लिंजिंग बोलते हैं। मेडिसिन को आप ग्लोब्यूल के फॉर्म में दे सकती हैं यदि बहुत छोटा बच्चा है, या फिर दूध में मिला के मदर मिल्क में मिलाकर भी दे सकते हैं। 30 पोटेंसी इन दो मेडिसिन की लेना है, और उसको ग्लोब्यूल उसके चार चार ग्लोब्यूल दिन में तीन बार मदर मिल्क में मिला के अच्छे से उनको क्रश कर लें और उसको बच्चे के मुंह में डाल दें। यदि बहुत छोटा बच्चा है, मैं 4-5 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूं, क्योंकि 6 महीने का बच्चा तो आप उसको ग्लोब्यूल भी दे सकते हैं तो वो चूस लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि 4-5 महीने का बच्चा है, तब उस कंडीशन में किसी भी कारण से डेवलप हुए हैं और बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, बच्चे से दूध पीते नहीं बन रहा है, तब उस कंडीशन में बोरेक्स 30 पोटेंसी में देना है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों, आर्सेनिकम एल्बम। जिन लोगों में मुंह के छालों के कारण बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस रहती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, खास तौर से ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, मुंह के छालों के कारण कमरे में बैठे बैठे आ आ इस तरह से चिल्लाते रहेंगे और उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत रेस्टलेसनेस हो जाते हैं वो, उनको समझ में ही नहीं आता कि उनको करना क्या है, और उसके कारण ना उनसे खाते पीते बनता है ना कुछ काम करते बनता है। तब उस कंडीशन में यदि रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा पेशेंट में मार्क्ड है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसे गर्म पानी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, मुंह में बहुत ज्यादा जलन भी पड़ रही है, तब उस कंडीशन में हमें आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। इससे कम से कम 4-5 दिन देना चाहिए, तो उनसे उसके छाले जो होते हैं, पेशेंट के जो छाले होते हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगली मेडिसिन आती है दोस्तों, नेट्रम म्यूरियाटिकम। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस मेडिसिन का बोरेक्स के साथ सबसे ज्यादा यूज मुंह के छालों के लिए किया है, और ये जो मुंह के छाले होते हैं सबसे कॉमन टाइप के छाले होते हैं जिनमें कि छालों का जो बेस होता है वो व्हाइट कलर का पड़ जाता है। मैं यहाँ पर एक फोटो लगा देता हूँ, आप इस छाले को देखिए, इसमें जो बेस है ये सफेद कलर का बेस है। तब इस कंडीशन में हमें नेट्रम म्यूरियाटिकम का यूज करना है। अब ये छाले किन लोगों को होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पानी पूरी खाते हैं, बहुत ज्यादा सोर एसिडिक फूड यानी कि खट्टा तीखा चिरपिरा इस तरह का खाना जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को इस तरह के छाले होने की शिकायत होती है, और उस कंडीशन में नेट्रम म्यूरियाटिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 4 बार पेशेंट को देना चाहिए, और बच्चा है तो दिन में 3 बार देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों, नक्स वोमिका। जिन लोगों को कब्ज के कारण पेट में बार बार मुंह में छाले होने की शिकायत होती है, उन लोगों को नक्स वोमिका सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, और उस कंडीशन में नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 4 बूंद रात में सोते समय उनकी जीभ पे रख देना चाहिए। ऐसा कंटिन्यू 4-5 दिन करना चाहिए, तो उससे उनका पेट साफ होने लगता है और मुंह के छाले भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों, ओलियंडर। ये एक ऐसी अनयूजुअल मेडिसिन है जिसके बारे में बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर भी नहीं जानते हैं, और या फिर वो उसको प्रिस्क्राइब करने से बिल्कुल घबराते हैं, पता नहीं क्यों उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, जबकि ये मेडिसिन उन लोगों के मुंह के छालों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है जिनको कि क्रॉनिक कंडीशन मुंह के छालों की है, यानी कि बहुत लंबे समय से उनको मुंह के छाले बने हुए हैं और इंडाइजेशन की समस्या इतनी ज्यादा है कि वो लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से बहुत सारा खाना बिना पचा हुआ ही स्टूल के साथ यानी कि मल के साथ निकल जाता है। मेरी बात समझिए कि जिन लोगों के मल में बिना पचा हुआ खाना निकलता है, मान लीजिए आपने कोई टमाटर खाया, टमाटर बिना पचा हुआ निकल गया स्टूल के साथ यानी कि मल के साथ, मान लीजिए आपने जामफल खाया और जामफल के बीज बिना पचे हुए बिल्कुल एज इट इज मल के साथ निकल गए, मान लीजिए कि आपने कोई काजू वगैरह खाया और वो बिना पचा ही मल के साथ आपकी लैटरिन के साथ निकल गया, तब उस कंडीशन में यदि आपको मुंह के छाले बार बार हो रहे हैं और क्रॉनिक कंडीशन है, तो ओलियंडर 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार लेना शुरू कीजिए आप, पहले 8 दिन तक 2-2 बूंद।
इसके बाद उसकी पोटेंसी को तो वही रखना है 30, और उसका जो डोज है उसको 3 बार कर देना है, यानी 2-2 बूंद दिन में 3 बार, फिर 8 दिन लेना है, और फिर उसके बाद अगले 15 दिन तक केवल 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को ओलियंडर लेना है। इससे आपके 2 फायदे होंगे कि आपकी जो अपच की समस्या है, यानी कि आपका जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ ही आपके मुंह के छाले भी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो है मर्कसोल। जिन लोगों के मुंह में बार बार छाले होते हैं और उन छालों के कारण उनके मुंह में एक मेटालिक टेस्ट बना रहता है, एक बड़ा अजीब सा स्वाद उनके मुंह में बना रहता है, मुंह से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आती है जिन लोगों के मुंह से छालों के कारण, और वो जो छाले होते हैं वो स्प्लिंटर लाइक पेनफुल रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक खतरनाक रहते हैं, तब उस कंडीशन में मर्कसोल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना शुरू करना चाहिए, और उसके साथ बोरेक्स 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना शुरू कर देना चाहिए। दोनों मेडिसिन के बीच में 10 मिनट का अंतर कम से कम रखना चाहिए। इस तरह आपको कम से कम 7-8 दिन ये मेडिसिन यूज करना है तो एक्यूट केस आपके पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अब रही बात क्रॉनिक केस की, तो मैंने आपको ओलियंडर बताई है। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है छालों की और मुंह में छाले होने से आप बार बार परेशान हैं, तो एक्यूट केस में तो आप इन मेडिसिंस का यूज़ कर लें, लेकिन क्रॉनिक केस में हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपनी केस टेकिंग कराएं, और केस टेकिंग कराने के बाद जो भी मेडिसिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से सूट करती है वो मेडिसिन लेना शुरू कर दें, तो इससे आपके जो क्रॉनिक छाले हैं, यानी कि लंबे समय से यदि मुँह में छाले आपके हो रहे हैं, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज़ की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं।